तो ये आगे हम लोग साइबर ट्रक के अंदर। अच्छा बैठना बेटा, चलाना है कम। Nowadays I wait for Shanice's command कि निखिल ये चाहिए वो चाहिए, एंड फटाक से स्केटबोर्ड लेके जाता हूँ। I'm telling you, जब से मैं इसमें थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हुआ हूँ ना, it is an addiction. Now I understand so many people in New York, so many people in Toronto, they use electric skateboard because this is so good. My God, ऐसे जाते हो आप कंपेयर टू द नॉर्मल इलेक्ट्रिक साइकिल। आप इस फास्ट जाते हो एंड लिटरली आपको कुछ क्रॉस वॉस करना है, उठाओ भाग के करो, इट इज़ सो डैम गुड। और आपके हाथ भी फ्री रहते हैं। What happened? अरे बेटा तूने लॉक कर दिया। You locked it. तो अगर मैं ऑफिशियली सालों से टोरंटो कनाडा में रह रहा होता या न्यूयॉर्क में रह रहा होता तो कुछ ऐसा लगता कि मेरा एक दोस्त अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आया या स्केटबोर्ड लेके आया। मैं अपना स्केटबोर्ड लेके आता, दो चार और दोस्त होते तो स्केटबोर्ड लेके आते। लोग कंप्लेंट करते क्या निखिल अच्छा खासा मोटरसाइकिल चला रहे हो तुम, स्केटबोर्ड चला रहे हो। बट देन उसमें अलग व्लॉग बनता, मुझे यहाँ पर मालूम पड़ता कहाँ से ड्रोन उड़ाना नहीं उड़ाना, एकदम मस्त वाला वीडियो बनाता, मज़ा आती भाई। मैं आए जो चलाया उसको ये मालूम भाई, ड्रिफ्टिंग डाउन द सिटी ऑन द इलेक्ट्रिक स्कूटर और स्केटबोर्ड इज सो मच फन। स्केटबोर्ड में फटती है और वंस यू गेट यूज्ड टू इट ना, माय गॉड। अभी मैं आता आया तो मुझे स्लो लगा, बट मेहुल वाला फास्ट था। इट लुक लाइक या बिकॉज आई एम ह्यूज आल्सो, आई एम टॉल आल्सो ना, सो मैं अभी लेवल में टॉप पे खींचा तो 27, 26 ही जाता है। लेवल 2 लेवल 3 के लिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आई विल वेट फॉर फ्यू मोर डेज। कल अपना कितने बजे सनसेट हुआ था? 8, लास्ट 8 था ना। अभी अगला 8 बजे का सनसेट होगा अप्रैल नेक्स्ट ईयर 2025। और एक ही दिन में डिफरेंस देखो, आज हो रहा है 7:58, साला 59 में नहीं सीधा 58 गया। 3-3 मिनट 2-2 मिनट का। ऑल्दो शानिज ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, मेरा मन नहीं था, लेकिन मेहुल ने वाला बाहर आया तो हम लोग ये शेयर करेंगे। ये मेहुल का है एंड ऑफकोर्स चाय, पैनली चस्का यहाँ का ब्रांड है, मुझे नहीं पता था। रावल लाइक यहाँ तो आना पड़ेगा, अभी किसी को बुलाऊंगा, मैं बोलूँगा चस्का में आओ बाजू में, या फिर जो भी टपरी वपरी मिलता है वहाँ पर आओ। इट्स लाइक अ नाइस ओपन मॉल। आई डोंट नो विंटर में क्या हाल होता होगा। एक कॉलेज है, ये कॉलेज है जॉर्ज ब्राउन की, लाइक तो ये बंद होने वाला है कि नहीं? मुझे नहीं पता आपको आवाज़ आ रही कि नहीं, लेकिन ये जेट्स का जो अभी वो जो प्लेन का शो होने वाला ना, जेट का शो, तो उसका अभी लोग रिहर्सल कर रहे हैं। एक दो प्लेन्स दिखे थे मुझे, बट मेरा फ़ोन नहीं था, अभी देखेंगे तो बताऊंगा आपको। मैं तो ऐसे स्काई को नीचे लेके आया, मुझे नहीं पता था। आज तो नॉर्मल डे है, कुछ खास भी नहीं है, थर्सडे है। और ये देखो इधर तो आज पूरा पार्क कन्वर्ट हो गया है, ये काइंड ऑफ फ्री अम्यूजमेंट पार्क में। वहाँ पर फ्री बच्चों को टाटू भी लगा रहे, बट हमारी बेटी बैठती नहीं जगह पर। और स्काई तो लिटरली भागी है ये सब देख के, पीछे देख भी नहीं रही कि मेरा बाप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाह, अच्छा खाली है, इतना भरा भी नहीं है। भाई साहब बड़ों के लिए तो बड़ा डेंजर है। no, from there, go there. और यहाँ पर बड़ों को अलाउ करते हैं अपने बच्चों के साथ जाने के लिए। Come on, go for it. Thank God ज़्यादा लोग नहीं है। ये हमारा 5वां राउंड है, मैं थक गया। और ये तो प्रो ही हो गई इसमें अभी, पता नहीं। सो फार सो गुड। अरे मस्त चीज़ है यार, मस्त चीज़ है। बड़ा अच्छा है अगर ये हर दिन करने मिले ना, सोचा बच्चों का स्ट्रेंथ क्या बढ़ेगी, एजिलिटी क्या बढ़ेगी, दिमाग क्या मस्त चलेगा। भाई मैं थक गया था इसमें बार बार जाके, और अच्छा नहीं लगता है। बहुत लंबी लाइन थी। स्काई को मैंने छोटे बच्चे वालों में भेज दिया इधर, वो खेलती रहेगी, उसको बस यही चाहिए। सो जस्ट शैनस को डॉक्टर के पास ड्रॉप किया है, होपिंग कि आज उसका लास्ट अपॉइंटमेंट हो। सिर्फ चेक करेंगे कि बच्चे का मूवमेंट कैसा है, क्या है, और एपिडोरल उसको लेना है नहीं लेना है, सब वो बातें होंगी। एंड अगर उसका 40th वीक तक जाता है तो शायद और एक अपॉइंटमेंट होगा, बट अकॉर्डिंग टू शैनस शायद उसका 40th वीक तक नहीं जाएगा। एंड बाय द वे, जब आप वीडियो देख रहे होगे, टुडे इज़ द डे वेयर व्हेन शैनस वाज प्रेग्नेंट विद स्काई, स्काई वाज बॉर्न। आई मीन अगर मैं प्रेगनेंसी का डेट कैलकुलेट करूँ तो, बट इस बार उसको वैसा फील नहीं हो रहा जैसा लास्ट टाइम फील हो रहा था स्काई के टाइम पे। उसको मुझे बोल रही थी निकल, आई फील द बेबी इज गोना कम आउट, बेबी इज हैवी, द बेबी इज दैट। इस बार शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज लाइक या आई फील दैट बेबी इज गोना कम आउट बट नॉट दैट मच। तो प्रॉब्ली शायद और चले शायद नहीं चले, वी हैव नो आइडिया बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। सो वो एक नर्वसनेस वाली फीलिंग है, वो अभी पीक पे है। अब मेरे मॉम से ये बात हुई, शानस की मॉम डैड से ये बात हुई, तो या वो जो फीलिंग है ना, वो जो बटरफ्लाई वाली फीलिंग, ओ माय गॉड फॉर ऑल यू गाइज शादी नहीं हुई, इट्स लाइक व्हेन यू गो ऑन अ डेट फॉर द फर्स्ट टाइम विद अ गर्ल, हाउ नर्वस यू फील, उसका इन 200 कर दो। वैसा अभी मुझे लग रहा है एज अ मैन। शानस का पता नहीं, उसको कुछ अलग ही लग रहा होगा, बट एज अ मैन फूफ। और यहाँ पर पीछे स्काई जो है अपनी फेवरेट कार सीट पर अच्छे से सोई हुई है, थैंक गॉड। इसके लिए उसको बाहर नहीं लेके गया मैं, और अच्छे से मैंने पार्किंग किया जहाँ पर सनलाइट वनलाइट नहीं है, और एसी भी एकदम फुल ब्लास्ट पे है। शैनस इज बैक, हाउ वाज इट? वेरी वेरी गुड। गुड अपॉइंटमेंट? यस वेरी गुड। ऐसा कुछ है कैमरे के सामने अभी नहीं बोल सकते? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। क्या बोली फिर? ओए फिसल गया फोन। क्या बोली फिर? शी सेड दैट वी शुड टेक द ड्यू डेट एज 30th September। इतना लेट? सो 35 वीक 4 डेज इज what we are at now, and Sky was born at 36 weeks in one day, so we are 2 days away from that day. Acha, 2 days, okay. So she said like, let's be hopeful. So far everything looks good. So if you go into labor, call us of course. But if not, she gave me all the documents I need to carry to the hospital, you know, when giving birth. बस वही सब बातें हो रही थी, और एपिड्यूरल की बातें हो रही थी। अभी स्काई गाड़ी में अच्छा सोई तो डिसाइडेड टू टेक देम आउट समवेयर। तो ये कुछ दिनों पहले मैं यहाँ पर आया था, ये मॉल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मॉल का नाम इटैली है विद ई, और यहाँ पर मुझे अंदर बहुत अच्छा लगा था। रिमेंबर वो मैं आइकिया आया था, बाद में मैं और मेहुल यहाँ पर आए थे, यार दिस इज़ द प्लेस। तो शायद स्काई को यहीं पर लेके आओ, स्काई को भी अच्छा लगेगा। अभी घर में लेके क्या करूँगा, इट्स टू हॉट एज यू कैन सी, तो शाम तक वेट करना पड़ेगा। एंड थोड़ा हम खा भी लेंगे, अभी आज बाहर निकले तो थोड़ा बाहर का ट्रीट करेंगे। स्काई स्लेप्ट वेल, ये देखो फुल, शी इज रेडी टू गो आउट। कितना सोई रही है? 2 घंटा। अरे वाह बेटा, 2 घंटा है तो एज आई अज्यूम्ड, शैनस को ये जगह बहुत अच्छी लगी। ओह ये कोरियन का फेवरेट बैंड, ओह ये दुबई जैसा लग रहा है। और क्या अच्छा लग गया? स्टोरी बोर्ड पर अच्छा लगा है। अरे भाई चलना पहले, पुश प्रेजेंट फ्रॉम हियर। अरे पुश प्रेजेंट। अरे वॉशरूम इज ऑलरेडी, गाइस माय बैड। ये मॉल का नाम इटली नहीं है, ये मॉल का नाम है CF शेरवे गार्डन्स। और मैं इसलिए बोलता हूँ अगर फ्यूचर में कभी आना हो या कोई पूछे हमारा फ्रेंड, तो मैं बोल सकता हूँ अपना खुद का ब्लॉग देखिए। सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आती है। अभी देखना स्काई उतरेगी कैसे, चढ़ते ना तो शूट नहीं कर पाया था, देखा खाना वाना बढ़िया खा लिया है। और उस दिन मैं एक चीज़ आपको दिखा नहीं पाया था जो मैंने यहाँ पर देखी थी, वो है टेस्ला का साइबर ट्रक। जितना भी मीम बनते हैं बनने दो, लेकिन एक बात बोलनी पड़ेगी, दैट लुक्स रियली रियली गुड इन रियल लाइफ। व्हाट? अरे यार इट लुक्स गुड यार शैनस, मैं यहाँ अमेरिकन होता ना मैं ले लेता। ये देखो क्या मस्त लग रही है, स्काई की फेवरेट कार है, रेड कलर कार ये रही, और ये रही टेस्ला साइबर ट्रक। वाओ। अब बोल बाबू बोल, बुक कर दे ये 100,000 समथिंग का, बुक कर देगा। प्रॉब्लम बुक करने में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी डिलीवरी नहीं मिल रही है, वरना एक बार तो मैं कर देता, मुझे लाइसेंस निकालना पड़ेगा, मैं कर देता जिस दिन यहाँ घर लेंगे उस दिन। और फिर इससे घूमता पूरा US कनाडा, टेंशन ही नहीं, पिकअप टो करके अपनी मोटरसाइकिल को। डूड दिस इज ह्यूज, द गाड़ी इज ह्यूज। ये देखो टायर देखो इसकी। डू यू लाइक दिस कार? यू लाइक? ओह वाओ। अरे बट डाइड पे मारुति गाड़ी अच्छी लगती थी हमको, वो टाइम थी नहीं ना ये सब सारी चीजें। ही लाइक यस दादा टेक इट। Yes. मेरे को 8 लाख रुपए दे दे। येलो कलर? No, दैट सोरन पाजी स्टेट। येलो कलर। इस पे लेके येलो कलर कर दो। येलो रैप साइल भाई कर देंगे। सोरन पाजी। So this Tesla is my favorite, जो ऐसा विंडो खोलती है, because ये kind of 6-seater है। देख कितनी अच्छी गाड़ी है। Black car is nice. Not for sale. Look at the size of the boot. Boot इतना बड़ा नहीं है, F-150 का इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। अरे मैं कंपेयर करो पिकअप ट्रक से, बट दिस इज नाइस। हमें पीछे गद्दा लगा के सो सकते हैं। हाँ सो सकते हैं। इस पे और एक्सेसरी भी आएगी शायद, पूरा ये सोलर पैनल बन जाएगा तो ऑन द गो चार्ज होएगी। सिट। You want to sit inside? बेटा तेरे बाप की गाड़ी नहीं है। ज़्यादा लाड में मत आ बेटा, बोलती है I want to sit। तो क्यों नहीं? You know कमाल के बाद क्या है? I can literally buy this car right now। पूरा पैसा देके। लेकिन जिंदगी देखो कैसा खेल खेलती है, टीज कर रही है हम लोग। इस बेटा 1 BHK तो गया हमारा इंडिया में, ये दूसरे बच्चे के चक्कर में। इंडिया में नहीं आएगा ये, इंडिया में लूंगा भी नहीं, पागल लेगा ये कि चलो इंडिया में आता नहीं पड़ेगा, झगड़ा होता रहेगा। यस भाई साहब टेस्ला पावर बैंक, टेस्ला का ये हम लोग जाते हैं ना BMW शोरूम में, सब BMW का सामान रहता है, तो टेस्ला वाले लोग टेस्ला की चीजें लेते हैं। ओह यू वांट दिस कार? ओए टेस्ला का साइबर ट्रक ये देखो, ये देखो, उतर जा बेटा उतर जा, ये देखो बुलेट प्रूफ बोलते हैं, पता ना बुलेट, पता है ये बुलेट प्रूफ है, पता है ना? चलिए इग्नोर कर, वो ये बुलेट प्रूफ है पता है, ये गोली भी चली थी, सर ग्लास भी स्ट्रांग है। मोदी जी बेटा जब मैं देता तो चलती नहीं। इट्स ओके, लेट्स सी ओके। क्या लगा है? पतरा नहीं, बड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल है, इससे लोगों का बहुत यू नो ये, और ये ऑटोमेटिक बंद होता है ना, तो गाजर मूली कट जाते हैं इससे। ये देखो हमारी बेटी टेस्ला साइबर ट्रक में चढ़ने की कोशिश कर रही है। बेटा खरीदना है तेरे को, खरीदना है? बेटा छोड़ दे बेटा, ये हमारी गाड़ी नहीं। This is how it's from behind. You wanna sit? Should I sit? Okay, come. So ये आगे हम लोग साइबर ट्रक के अंदर। अच्छा बैठना बेटा, चलाना है? Come. So guys, आना आप बैठना उधर से। इस साइबर ट्रक के अंदर है हम लोग। Wow, this is nice. This is actually nice. मैंने टेस्ला चलाई है, but it's quite high for you. Right now, in this stage. हाँ थोड़ा, but कैसी लग रही है बैठ के? मस्त है ना? ये देख स्क्रीन देख। अपना लगाओगे कुछ इधर? Honestly, you expect a lot more inside. अपना लगाते हैं। अपना वीडियो लगा है? डब्बा? डब्बा ही तो है ये। अरे वाह, ओमेगा नहीं। कोई अच्छा वाला वीडियो लगाता हूँ। क्या सब लोग वही तो कर रहे थे, मिस्टर बीस देख रहे थे, अच्छा वाला प्लेलिस्ट लगाएंगे ना जो इन लोग अंग्रेजों को भी समझ में आए। ये वाला रुक जा, अच्छा वीडियो लगा के छोड़ के जाऊँगा मैं। वेट बेटा वेट एक मिनट, ये वाला कौन सा वीडियो मालूम है? ये वाला अच्छा, अटाबास्का ग्लेशियर वाला, इन लोगों को भी अच्छा लगेगा। किधर गया अटाबास्का ग्लेशियर? ये छोड़ देने का लगा के, ए वाह पैसे भी मिलेंगे इसके। इसका है लाइक इतना फ्यूचर में, फ्यूचर में, नॉट नाउ। लेट्स गो डाउन, गो डाउन, चलो गो डाउन, चलो। और ये देखो शाहनाज अभी स्काई के लिए शूज ट्राई कर रही है, एडिडास सांभा। अरे ये सांभा इसको क्यों क्यों दिलाने की जरूरत है? शूज है तो ये सब तुझे पता है, सब नहीं पहनेगी, उसको फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसके लिए सब। हमारी बच्ची को शूज पहनना वैसे ही पसंद नहीं है, और उसको हाँ हाँ ठीक है परफेक्ट है, बट उसको शूज पहनना पसंद नहीं है। बेटा पहन के बेटा 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 पहन के भाग जा, हम बोलेंगे हमारा बच्चा नहीं भाग गया। What kind of a behavior is this guy? You're embarrassing us. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. ठीक है चल। और शाहनाज को उसका ड्रीम स्टोर मिल गया फॉर ऑल द कोरियन एंड जापानीज स्किन केयर आइटम। तो शाहनाज ने बोला अपने व्लॉग में डाल, टू ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज इफ यू वांट टू कम हियर। ये जगह का नाम है कियोकी एंड इन लोग का इंस्टाग्राम भी है। क्या ये वर्ल्ड फेमस, ये लड़कों को नहीं समझेगा, ऑल द गर्ल्स यू अंडरस्टैंड, बढ़िया चीज़ है, ले लो आके इधर। तो आज एक छोटी सी ड्राइव करने का डिसाइड किया, शाहनाज का सब लोग, मेहुल भी। हम लोग आए हैं ब्लफर्स पार्क स्कारब्रो में। स्कारब्रो है ना ये? स्कारब्रो है। अच्छा वो ही है, अच्छा लगा दिख सामने। नहीं नहीं ये वो नहीं जहाँ हम आए थे वो। हाँ। नहीं नहीं वो नहीं शानस, अरे वो ही नहीं, वो नहीं, वो अलग जगह थी, वो जगह का नाम नहीं मालूम। वही है ब्लफर्स पार्क। अरे हाँ ब्लफर्स पार्क ही है। वाइट, यस वाइट कार। देखो बड़े दिन बाद ड्राइव पे लेके आया ना, तो हेलो डिड यू एंजॉय द ड्राइव? तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हो तो टिकट लेनी पड़ती है, तो मैं वो टिकट लेने गया था, फिर एक अंकल मिले, क्या बोलते हैं Humanity is still alive. He said, "Hello, I'm done. I'm going," and he gave his ticket. तो उसने अपनी इसको पानी में, you want to go water? इसको पानी में जाना है। इसको कैसे मालूम पड़ गया? How do you know we are on a beach? Oh yes. तो अभी थोड़ा हम यहाँ से ना थोड़ा हाइक करेंगे। हम लोग यहाँ पर आए हैं मैं और शाहनाज, बट हम लोग शायद ठंडी में आए थे ना, काफ़ी ठंडी होती तो चलने नहीं होता था। आहा, आइसक्रीम ट्रक देख के मन करता है कि आइसक्रीम ले लूँ। तो यहाँ पर जो ग्रीस है स्काई को लग रहा है डक है। नो 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 नो, यू डोंट इवन नो व्हाट दे कैन डू। क्या बेटा, बहुत बहुत भड़केले लोग रहते हैं। तेरे पास सिटीजन है, उन लोग के पास बहुत कुछ है, सिटीजन से ज़्यादा पावर है उन लोग के पास। ओपसी, मिट्टी में बस कोई ये जगह दिखती है, मिट्टी में हाथ डालेगी फिर बोलेगी ओपसी। यूजुअली इतना पानी होता नहीं है, काइंड ऑफ बीच एक्सपोज रहता है ताकि आप वॉक कर पाओ, बट अपैरेंटली यहाँ पर हाई टाइड। और ये भाई साहब जेट स्की का मज़ा उड़ा रहे हैं। थोड़े बहुत फोटोज़ निकाले, लेकिन शाने ने सही बोला था कि जब तक थोड़ा कलरफुल बैकग्राउंड, मतलब थोड़े फ्लावर्स वावर्स नहीं रहेंगे, थोड़ा ग्रीन्स। अच्छा अभी देखो फॉल वाला कलर्स आया नहीं है, तब तक मज़ा नहीं आएगा। जेम्स पार्क ना, तो जेम्स पार्क जाएंगे एक्चुअली। ये आवाज़ तो फॉल के हल्के हल्के पत्ते दिख रहे हैं, बट अभी फॉल को काफ़ी टाइम है। और यहाँ पर स्टारबक्स और टिम हॉर्टन्स में एक स्पेशल ड्रिंक आता है, वो क्या है? पम्पकिन सिनेमन लाते हैं। यहाँ पर लोग पागल हैं वो ड्रिंक के लिए। शानज ने अपैरेंटली पिया है, मैंने कभी पिया नहीं है। तो बेसिकली दैट्स अ साइन कि फॉल आ गया है, फॉल की शुरुआत हो गई है। और जब वो बंद होता है अपैरेंटली, आई थिंक विंटर में नहीं मिलता वो, जस्ट द फॉल थिंग।